ओके, हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, लेट्स गो फॉर द स्ट्रिंग पार्ट थ्री। इसमें हम और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे स्ट्रिंग के। सो लेट्स से नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम। स्क्रीन शेयर। ओह सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीन में दिख रहा है। श्योर, सॉरी सॉरी, या नाउ फाइन इज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू चेक। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, टू चेक वेदर गिवन प्रोग्राम इज, सॉरी गिवन प्रोग्राम नहीं, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पता है आपका पैलिंड्रोम क्या होता है? अगर कोई भी सेंटेंस हो उसका सीधा भी करो और उल्टा भी करो तो सेम ही आता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता, सकस म्यूट, प्लीज म्यूट करो क्या है। ओके, अगर आप सकस है, अगर मान लो आपका इनपुट स्ट्रिंग सकस है, नाउ आप इसको उल्टा करो, उल्टा भी किया तो आपको क्या मिलेगा? सकस ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग क्या हुआ, पैलिंड्रोम हो। ठीक है, अगर ये उल्टा करके भी सेम नहीं आया तो ये क्या हो सकता है, इसे हम बोलेंगे ये नॉट अ पैलिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल लॉजिक होगा। इसका लॉजिक कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका कोई एक स्ट्रिंग है एक्स है कि जिसमें मैंने सकस स्टोर किया, सकस स्टोर किया, राइट। आप क्या करोगे, इसको वाई में कॉपी, वाई में उसको रिवर्स स्ट्रिंग करोगे। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपको उसको रिवर्स करना है, रिवर्स स्ट्रिंग करो, राइट, वाई में करो वो भी। तो वाई में स्टोर क्या हो जाएगा आपका, सकस स्टोर हो जाएगा, राइट। नाउ टेल मी, एक्स एंड वाई सेम है, इफ, तो आप ऐसे करो, इफ एक्स डॉट इक्वल्स वाई करोगे तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ पैलिंड्रोम। समझ में सबको कैसे करना है, ये वाला लॉजिक समझिए, इसको रिवर्स करो और फिर काम बन जाएगा आपका, राइट। ये एक वे है, और डायरेक्टली आप एक ही फॉर लूप में भी कर सकते हैं। हम लोग इसको ट्राई करते हैं, पहले रिवर्स वाला करते हैं, तो सिंपलेस्ट वे से जाते हैं। तो पहले रिवर्स वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने कल ही किया था, या राइट, ये अपने पास ये कल का ही प्रॉब्लम है, तो इसको ही उठाता हूँ मैं। यहाँ से हमें यहाँ तक कॉपी करना है, जैसे मैंने बताया था अभी ये मेरे पास x नाम का है, इसको हम लोग सकस लिखते हैं, राइट। नाउ आई विल, व्हाट आई विल डू, आई विल रिवर्स इट। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, देखो मैंने इसको रिवर्स किया, वो भी सेम ही हुआ। तो जैसे मैंने बताया था मुझे कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, इफ x डॉट इक्वल्स, अगर y होता है तो हम बोलेंगे एस वाई एस ओ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। देखना है, ट्राई करना है, सेम लॉजिक है, राइट। मैंने ये प्रिंट किया उल्टा, उसका रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट किया तो सकस के साथ सकस मिला। इसको मैं ये भी करता अगर आपको चाहिए तो, देखो मैंने ये सीधा वाला है, ये उल्टा वाला है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर मैं इसको आगे कुछ लगा देता, वन लगा देता, नाउ टेल मी, अगर आप इसका उल्टा करोगे तो आपको लग रहा है ये सेम होगा, राइट। देखो अभी इसका वो सीधा और उल्टा सेम नहीं दिख रहा, इसीलिए दिखा है उसने स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। किसी को डाउट है अभी इस केस में, सबको समझ में, किसी को एक्सप्लेन करना है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करता फिर से। कैन वी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, या कर सकते हैं, लेकिन इंटर में ये क्वेश्चन नहीं, मतलब ओके टेंथ के लिए क्वेश्चन होता है, लेकिन जो बाकी लोगों के जो इंटरव्यू में पूछते हैं उसके लिए ऐसा कभी नहीं बोलते कि इनपुट वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आपको ये स्ट्रिंग देंगे और कर सकते हैं वैसा। लिखित तू ही था ना,
नहीं सर, अनिल। अनिल का, ओके अनिल। ये ओके अनिल, ये कैसे होता है पता है क्या? मोस्टली आप जब इंट्रो दोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन खुद देता है, भाई मेरे एक्स नाम का एक वेरिएबल है, मेरा स्ट्रिंग है उसमें ये स्टोर किया, अभी मुझे इसका ये बता कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसका इनपुट वाला भी देना है, विथ इनपुट। समझ में? ओके सर, अगर आपको चाहते हो तो आप कर सकते हो ऐसा कोई, यस। आप उसको बफर रीडर नाम की कंसेप्ट होती है पता है आपको, या फिर स्कैनर क्लास, उससे भी आप कर सकते हैं इनपुट चाहिए तो। दिखाना है क्या तो वाला? एक्सप्लेन करिए ना क्या ये वाला? देखना बस। सिंपल है, ये मेरा स्ट्रिंग एक्स है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने इसको प्रिंट किया, मैंने एम्प्टी वेरिएबल लिया, मैंने इसको उल्टा किया पहले, ये स्ट्रिंग को उल्टा करके उसमें वाई में डाल दिया, जैसे सकर्स को मैंने उल्टा किया तो ये वाई में स्टोर हुआ। वाई में स्टोर होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब जो पुराना वाला स्ट्रिंग और जैन जो नया है ना उल्टा करने के बाद, ये सेम है क्या देख रहे हैं? अगर सेम है इसका मतलब पैलिंड्रोम है, नहीं है इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। ओके ठीक है सब, सर, वन सकस वन ऐसा किया तो भी वो पैलिंड्रोम होगा ना? नहीं ना सकस वन किया, हाँ वन सकस वन किया तो हाँ ऑब्वियस हो जाएगा, फिर उल्टा भी किया सीधा भी किया तो कम बन जाएगा आपका, देखना है देख सकते हैं। देखो ना उल्टा भी सीधा वाला, ये उल्टा वाला सेम दिख रहा है, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। नहीं लेकिन एक चीज है, अगर इसका मैं ना एक स्मॉल करता हूँ तो व्हाट यू थिंक, अभी ये आएगा क्या नहीं आएगा? ये आएगा नहीं पहले, सर, नॉट अ पैलिंड्रोम, क्यों नहीं आएगा ये वाला इस केस में? स्मॉल है ना बस। एग्जैक्टली, जावा केस सेंसिटिव है, जब तक हम लोग यहाँ पे उसको नहीं बताते तो ये पैलिंड्रोम। लेकिन ओके नाउ माय क्वेश्चन इज, ना मुझे करना है इक्वल है कि नहीं, तो आप कैसे करोगे? मुझे पता है ये कैपिटल, मुझे वो इग्नोर करना है ये वाला, ये कैपिटल एस है ये स्मॉल एस है, मुझे वो कंसिडर नहीं करना, तो अब क्या करोगे फिर? इक्वल सिंबल सॉरी इग्नोर केस छोड़ो। एग्जैक्टली इक्वल्स इग्नोर केस करके कंसेप्ट है, याद है? आप उसका भी कॉल कर सकते हो इक्वल इग्नोर केस, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है सबको समझ में? अभी किसी डाउट है अभी इस केस में? और बोले ना। सर, इंटरव्यूअर ऐसे पूछ सकता है कि विदाउट इनबिल्ट फंक्शंस वी हैव टू हाँ फाइंड आउट द एग्जैक्टली, पायलट? एक्चुअली इंटरव्यू जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना सारे इनबिल्ट फंक्शन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन पूछते हैं, तभी आपका लॉजिक समझ में। अगर आप पाइथन यूज करो ना, पाइथन में डायरेक्ट कोड है डाउट रिवर्स करके, राइट? ये यूज नहीं करने के बोलते, अगर ये यूज किया तो क्या होता है पता है का? आपका प्रोग्राम है वो कैसे चेक करेगा, उससे आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज चेक करना है आपको कितना आता है, तो ये सारी चीजें जो बोलता है ना वो विदाउट पैलोराम ही बोलता है, मतलब सॉरी विदाउट इनबिल्ट फंक्शन ही बोलता है। राइट सबको समझे? सर इक्वल यस सर, सिग्नोर केस क्या बिल्ट इन फंक्शन है क्या? हाँ ये बिल्ट इन फंक्शन है ये नहीं, इक्वल, विदाउट बिल्ट इन हो ऐसा नहीं नहीं ये सर। विदाउट बिल्टिंग नहीं, ये वाली चीज आप यूज कर सकते हो रे, जैसे कि रिवर्स एक मेथड है पूरा, ये इनबिल्ट मेथड है लेकिन स्ट्रिंग के लिए होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए यूज होता है, तो ये वाली चीज यूज करोगे ना, तो जैसे कैरेट भी एक मेथड ही है ना, तो ये भी इनबिल्ट मेथड ही है, लेकिन ये वाली चीजें चल सकते, तो वो खुद बोलते हैं कि मुझे विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, तो आपको समझ लेना है कि डॉट रिवर्स नाम की एक मेथड है उससे नहीं यूज करना। डॉट रिवर्स को नहीं यूज करना, हाँ राइट, इनडायरेक्ट फॉर भी अगर देखो ये भी, कैरेट चलता है। हाँ ये सब चलेगा आपको, रिवर्स नहीं चलेगा, सॉर्ट नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो पूछता है कि मुझे इससे बताओ तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको पता है क्या, आप स्ट्रिंग को डॉट रिवर्स या फिर नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे कि एक्स है, अगर मान लो एक्स है, मैं एक्स को रिवर्स नहीं कर सकता, देख नहीं गए, एक्स को रिवर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स का रिवर्स नहीं कर सकते, पता है क्यों? कोई मुझे बताएगा व्हाई वी आर नॉट डूइंग ए रिवर्स मेथड? लेकिन हम लोगों ने सबने सुना होगा, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, हाँ एग्जैक्टली इम्यूटेबल, एग्जैक्टली ग्रेट। और एक चीज है पता है क्या, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे फिर? आपने जो बोला वही करना है, स्ट्रिंग बफर, एग्जैक्टली तो आपको जैसे कि स्ट्रिंग क्या है इम्यूटेबल, आप इसीलिए आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हाँ लेकिन आपने उसकी जगह स्ट्रिंग बफर यूज किया कि जो म्यूटेबल है, तो अब आपके केस में हो सकता है, सो मे बी समटाइम इट हैपन द इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा हाउ वी रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग इनबिल्ट मेथड।
बरो ना, क्योंकि क्या आएगा फिर इसका आंसर, क्या आ सकता है इसका आंसर? वो स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग बफर के वेरिएबल में असाइन एग्जैक्टली करेंगे और वो एग्जैक्टली बाय यूजिंग ओनली, बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर वी कैन यूज इन बिल्ड मेथड। याद रखना, कभी कभार आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ना, तो इस केस में आपको उसको बोलना, मतलब ऐसे बोलेंगे, आपको एक स्ट्रिंग देंगे सब, स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू समथिंग बोलेंगे और बोलेंगे अभी मुझे इसको रिवर्स करके देगा। तो आप कर सकते यूजिंग इन बिल्ड फंक्शन, तो आप इसको रिवर्स कर पाओगे क्या? तो आपको, आपका टास्क क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले स्ट्रिंग बफर में, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो याद रखना आपको, तो आपको ऐसे वो देखते हैं कि सीरियसली आपको मतलब आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है, टेक्निकल कितना स्ट्रांग है, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको बफर हेडर में, ठीक है? सबको समझा अभी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको क्या हुआ है? तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में चेंज करने का। हाँ एक मिनट, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में करने का, एग्जैक्टली ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट इन कैपिटल स्मॉल स्मॉल लेटर। सबको क्वेश्चन समझ आएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कोई तो क्वेश्चन देता, ओके तो मेरा अगर मान लो स्ट्रिंग है एक्स इक्वल टू माई स्पेस क्लास है, मुझे इसका आउटपुट क्या चाहिए? देखो मैंने जैसे बताया था मुझे क्या अल्टरनेट अल्टरनेट कैपिटल स्मॉल चाहिए, जैसे जैसे माई समझ क्या किया मैंने, समझेगा सबको क्या कर रहा हूँ मैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा हूँ। कर पाओगे आप इसको? कोई मुझे लॉजिक बताएगा क्या? चलो लॉजिक, कैरेक्टर टू, सॉरी कैरेक्टर टू अपर क्लास, एग्जैक्टली ग्रेट, ओके एग्जैक्टली ग्रेट, बराबर। तो अभी एक क्वेश्चन है, अभी आप कैसे डिसाइड करोगे मुझे इसको क्या बोलते हैं अपर में करना है इसको लोअर में करना, हाउ विल यू डिसाइड? मॉड टू यूज करके इफ एग्जैक्टली करेंगे, एग्जैक्टली ग्रेट ग्रेट सही। तो हमें वही लॉजिक करना है अभी, तो मैं मेरा ये अभी मान लो स्ट्रिंग है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं स्ट्रिंग का क्यों ले रहा हूँ इतना, क्योंकि स्ट्रिंग के ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे स्ट्रिंग और एरे और हैश मैप, ठीक है? उससे ही उनको पता चलेगा एक्चुअल में आपको आता कितना है, क्योंकि स्ट्रिंग और एरे ऐसी कंसेप्ट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉर और इफ यूज होता है। ओके अभी मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग वाई में करना है, जैसे मैंने ये होता है मुझे इसको जाना है जीरो से लेके, इसमें एक इश्यू होगा थोड़ी देर में मैं बताता आपको। इसमें थोड़ा इश्यू होगा मैं आपको बताता हूँ, एक्स डॉट आई प्लस प्लस किया, तो पहले तो मैंने जैसे बताया था किसी ने मुझे लॉजिक बताया था आप आई इक्वल टू, नाउ टेल मी इसमें ना ये आप इसको जीरो इंडेक्स लेंगे राइट, ये जीरो इंडेक्स है, तो जीरो इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल में चाहिए राइट। तो मैं ऐसे लिखूँ आई परसेंट टू, आपको एक इसमें एक पता चलेगा क्या होने वाला, इसमें एक छोटी सी गलती होने वाली, हम लोग उस गलती को याद करते हैं। ओके जैसे ये होता है तो मुझे इसको क्या करना है अपर केस, अपर केस एग्जैक्टली, हमें स्पेस का भी याद रखना है, तो वही मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो हम लोग वाई इक्वल टू वाई प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस राइट, देखो अपर केस करना है और यहाँ पे मेरा आएगा एक्स डॉट कैरेट आई आएगा, एल्स
इसको बस ले लो और लोअर कैस में डाल दो। टू लोअर ठीक है, अब ये वाला हुआ मेरा, हम लोग इसको पेंट करके देखते हैं। हो गया, आपने इतना प्रॉब्लम है, छोटा सा था बस, आपको डराना डरा रहे लोग, ये क्या किया हमें। ओके ये नहीं चाहिए था मेरे को, देखो आया क्या नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, देखो ना यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। तो भी आप लोग कैसे कर सकते, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, इसका सॉल्यूशन कोई मुझे बताओ क्या कर सकते इस केस में, ताकि ये वाला चीज़ें होना, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, मतलब ऐसा होगा जब भी कभी मेरा स्पेस आएगा तो मेरा लॉजिक खत्म गलत हो रहा है। इफ एल्स वाली पूरी एक कंडीशन एक अलग इफ में लेंगे और वहां पे कंपेयर करेंगे कैरेट आई नॉट इक्वल टू स्पेस, तो उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपने जो स्मॉल के लिए बताया, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर आता है तो यहाँ पे स्मॉल है, तो वो वाला केस में फेल हो जाएगा ना फिर से, फिर बराबर आई इक्वल इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा और एम्प्टी स्पेस। इसको मैं ऐसा करूँ क्या, देखो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो इंट काउंट इक्वल टू जीरो डालता और यहाँ पे मैं काउंट परसेंट टू लेता। ओके इसको हम लोग थोड़ा सा अलग करते, इफ देखो हो सकता है क्या बताऊंगा, तो ऐसे केस में ट्राई करना आपको ना अलग अलग काउंटर ले लो तो बेटर रहेगा, ऐसा अगर कभी रहा। ओके अभी इसको ना जैसे कि ये मुझे स्पेस मिलता है, या देखो स्पेस मिलता है तो मुझे कुछ नहीं करना। ऑलराइट एक मिनट, मुझे जगह स्पेस मिलता है। ओके होल्ड 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 और यहाँ पे मैं काउंटर बढ़ाता, देखते क्या होता है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन करता हूँ। अदरवाइज हमें क्या करना है, ऐसे केस में मुझे बस इसको कॉन्फ्रेंट करना है, अगर स्पेस आता है तो मैं काउंटर नहीं बढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखते आउटपुट आता है करना, आया कह रहे बराबर। क्या क्या पता है हम लोगों ने, जैसे कि ये अगर मैं आई यूज करता ना तो क्या होता पता है कि आपका हर बार आई इंक्रीमेंट होगा, लेकिन अभी मैंने वैसा नहीं किया, मतलब जब भी कभी स्पेस आता ना मैं मेरा काउंटर नहीं बढ़ा रहा, अगर ऑब्जर्व करोगे तो जब भी कभी स्पेस आता है तो मैं मेरा काउंटर नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा पता है, जब भी स्पेस आएगा ना उसको काउंटिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक क्या लगाया था, जो भी और प्रेसेस है उसको हमें और ये करना है, कैपिटल करना है। तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ, जैसे ही वो आई का स्पेस आता है तो उसने खुद को काउंट ही नहीं किया, तो आपका काउंट टू ही रह जाएगा, यहाँ पे आया। समझाएं सबको ये क्या किया मैंने, मैं आपको डिबग करके दिखाऊं क्या, इसको इसको उठाओ इसमें डाल दो, ठीक है लेट्स सी। देखो पहले तो मेरा आई काउंट जीरो हो जाएगा, जीरो रहा, फिर मेरा वाई नाम की स्ट्रिंग होगी वो भी एम्प्टी रहेगी, उसके बाद आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, आई की वैल्यू देखो जीरो होगी, कंडीशन टू हो जाएगी, यहाँ पे आएगा उधर स्पेस नहीं मिला, याद होगा यहाँ पे स्पेस है क्या, नहीं है, तो एल्स पार्ट में गए हो, एल्स पार्ट में देखा काउंट जीरो परसेंट टू, जीरो परसेंट टू जब भी हम करेंगे हैं तो इक्वल टू इक्वल टू जीरो होता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं अपर केस कर रहे हैं। देखो वाई में कुछ था क्या, पहले नहीं था, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं कैपिटल में कर रहे हैं, किसको कैपिटल में कर रहे हैं, जो माई स्पेस का जो एम था ना अपना पहला, क्योंकि आई की वैल्यू अभी जीरो है, वो इसको पॉइंट कर रहा है ये वाले को, तो हम इसको क्या करें कैपिटल में करें और इसको यहाँ पे चिपका रहे, तो होगा यहाँ पर कैपिटल वाई। अभी आपका काउंट यहाँ से आएगा, एल्स में तो जाएगा नहीं, तो आपका काउंट बढ़ जाएगा, काउंट
काउंट अभी जीरो था, अभी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो काउंट बढ़ गया और आई भी आपका बढ़ जाएगा किसमें, आई इक्वल टू वन हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे वो चेक कर, स्पेस है क्या, स्पेस नहीं है भाई, तो एल्स में जाएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा, देखो काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, वन है, तो 1% टू कितना आता, रिमाइंडर वन आता है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी। सो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, जो भी कैरेक्टर है, मतलब आई किसको पॉइंट करा, अभी वाई को पॉइंट करा, उसको हम लोग बता रहे भाई तो लोअर केस में ही जा, और लोअर केस में जाने के बाद ई कैप वाई में कैपिटलेटेड वैल्यू क्या है, एम है, ये लोअर केस में क्या है, वाई, इसको जहाँ पे चिपक, तो ये गए होगा माई होगा। उसके बाद वाला ऑब्जर्व करो थोड़ा सा ध्यान से, उसके बाद वाला आई बढ़ेगा आपका, आई इक्वल टू टू हो जाएगा, राइट। अभी काउंटर क्या हो जाएगा आपका, जैसे एल्स पार्ट में इसने माई लिखा तो आपका काउंटर में आपका ये टू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ वाला से, ओके। फिर आपका आई कितना हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा टू हो जाएगा। मैंने कुछ गलती किया क्या, आई थिंक मैंने यहाँ पे वन ही होना चाहिए था, पहले लेटर जीरो हुआ वन हुआ, जीरो से वन, वन से टू, ओके एग्जैक्टली। हाँ उसके बाद अगर ऑब्जर्व करोगे आई की वैल्यू टू है, तो आई की वैल्यू टू है लेकिन यहाँ पे स्पेस आता है, स्पेस आया मतलब वो उसके अंदर चला गया, अंदर चलने के बाद उसको क्या मिला, यहाँ पे स्पेस मिला, उसने वहाँ पे स्पेस डाल दिया, कुछ नहीं किया मैं। लेकिन नाउ टेल मी, मेरा काउंटर बढ़ा क्या इस केस में, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डर के यहाँ पे जाएगा, मेरा काउंटर बढ़ गया क्या, नहीं, लेकिन मेरे आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू 3 है, लेकिन मेरा काउंटर क्या है, 2 ही है, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, मेरा काउंटर की वैल्यू नहीं बढ़ गई। फिर नेक्स्ट स्टेशन में आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 3 है इसलिए वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे इसको एस को पॉइंट करे तो एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा और चेक करेगा, देखो 2% टू, कंडीशन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही इसीलिए यहाँ पे चला गया, उसने उसको अपर केस में किया, अरे देखो यहाँ पे स्मॉल था उसने कैपिटल कर दिया, तो वैसे ही चलता रहेगा। जब भी कभी स्पेस आएगा वो उसको खुद को काउंट नहीं करेगा, ये काउंटर बढ़ेगा नहीं, तो हमेशा ये गैप रहेगा इनके बीच में, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, दो पैरेलल वे लगाए, ये पैरेलल वे आई का था, वो उसका काम कर रहा है बढ़ाने का खुद को, और ये हम लोग ये इसको कब बढ़ा रहे, जब भी कभी स्पेस ना हो तभी बढ़ा रहे, अगर स्पेस है उसको बोल रहे भाई तू रुक जा, तू बढ़ मत अभी, राइट। सबको समझ में आया वाला चीज सर, वो स्पेस का इटरेशन ही समझ सर। देखना जब भी कभी स्पेस आता है तो तेरा ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये वाला कंडीशन ट्रू होने के बाद वो क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है जैसे कि इस केस में माय है तो यहाँ पे आएगा, उसने उसको चिपका दिया, उसके बाद उसने काउंटर बढ़ाएगा, इसके ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया गया, उसने ये वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट, एल्स पार्ट में गया नहीं ना, तो तेरा काउंटर बढ़ा गया, काउंटर बढ़ा ही नहीं, अगर तेरा काउंटर बढ़ेगा नहीं तो नेक्स्ट इटरेशन में काउंटर की वैल्यू क्या होगी, टू ही रहेगी ना, लेकिन आई की वैल्यू बढ़ रही, तो हम इसी को मॉड कर रहे हैं ना, ये वाला चीज पे हम काउंट के ऊपर मॉड ले रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इस केस में, काउंट के ऊपर मॉड ले रहे हैं ना। हाँ देखना काउंट के ऊपर ही मॉड ले रहे हैं ना, तो वही वही तो लॉजिक है इस केस का मेन, अगर आप आई के बेस पे चलते हैं ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है। सबको समझ में, मीटिंग फिर से ज्वाइन करोगे सर, आई के बेसिस पे मतलब, यस सर, ओके। आई के बेसिस पे करोगे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, ओके। अभी ये वाला प्रॉब्लम हुआ अपना, ये वाला कॉपी करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा कर सकते हैं, ओके नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके कौन सा पूछ सकते हैं, मुझे कोई भी स्ट्रिंग का काउंटिंग करना है, ठीक है मैं क्वेश्चन लिखता, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ओके तो तुम कोड लिखते हैं, क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, गलती कर दी मैंने, काउंट ऑफ स्पेसिफिक लेटर कर सकते हैं,
स्पेसिफिक लेटर का काउंट करना है हमें पूरे स्ट्रिंग में। तो ये कर सकते करें हम लोग, जैसे कि अगर मान लो कोई भी मैं अपना वही वाला नेम हमें चेक कर लेते हैं। ये करना है काउंट करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि भाई एस कितनी बार, हमें आना ऐसा बोल सकता काउंट करना है हाउ मेनी टाइम्स एस इज इन दी स्ट्रिंग। कर सकते हैं क्या इसको? तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल एकदम सिंपल, ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो आपको सिर्फ काउंटर डालना है, ये जैसे ही काउंटर किया और काउंटर डाला, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जगह मैं क्या करूँगा, मुझे जिस जो कैरेक्टर चाहिए था वो मैं कैरेक्टर लूँगा, अगर हुआ तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज कंडीशन फेल। मुझे कंपेयर क्या करना है, ये है क्या, सर ऊपर का क्या चेंज किया बताते एक मिनट। ठीक है, अरे यार क्या उसको इसको और एक चाहिए। अब इसके बाद मुझे काउंटर करना है बस, इसको ये फॉर लूप का फॉर लूप हो। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। कितनी बार, तीन बार हुआ, देखो अब देखो एस कितनी बार, एक दो तीन बार हुआ है, राइट। सबको समझ आया वाला, ये वाला केस कैसे हुआ? ठीक है, ये वाला ठीक है। आई थिंक स्ट्रिंग के इतने ही प्रोग्राम्स ले सकते हैं हम लोग। अकरंस ऑफ एक लेटर लेना है मेरे को एक्चुअली, अकरंस ऑफ लेटर कैसे कर सकते हैं? ओके हम लोग ट्राई करते हैं सर। एस समझो कैपिटल और स्मॉल होता तो फिर तो इसको सिंगुलर केस लिखना पड़ता क्या? इसको ऐसा कर सकते फिर इस केस में, और लिखो और एक मिनट इसको और लिखो और यहाँ पे कैपिटल ले लो, ऐसा भी चलेगा। फिर अगर आपको वैसा वाला चाहिए तो वैसा वाला कर सकते हो। इसका मतलब क्या, तो ये ले लो या फिर वो ले लो, ठीक है ओके। अभी ये थोड़ा सा ना इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन बता था अभी, वो क्या बोलता है पता, इसको हम लोग अलग वे से भी कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अकरेंस ऑफ लेटर्स, क्या ये देखो काउंटर प्रोग्राम, काउंटर स्पेसिफिक लेटर नहीं अकरेंस ऑफ लेटर, ये क्वेश्चन आपको डिफरेंटली पूछेगा। अकरेंस ऑफ लेटर, अकरेंस की जगह फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यस पूरे इसमें एम कितनी बार दिखा रहा है आपको, वन बार दिखा है। वाई कितनी बार दिखा है आपको, वन बार दिखा है। एस कितनी बार है, तीन है। ए कितनी बार दिख रहा है आपको, दो बार दिख रहा है, राइट। आपको ये आपका आउटपुट है, मतलब ऐसा आपको ये प्रिंट करना है। कैन वी डू दैट वन, कैसे कर सकते हैं कोई मुझे बताएगा लॉजिक? देखो इसके करने के दो लॉजिक्स है, एक तो है हैश मैप है, मैं आपको हैश मैप से भी बताऊंगा शायद इसके बाद हम लोग हैश मैप पे कलेक्शन लेने वाले, कलेक्शन के अंडर हैश मैप आता है। और ये एक और एक पे कोई मुझे बताएगा ये वाला कैसे कर सकते हैं? ठीक है मैं आपको पहले लॉजिक बताता कैसे कर सकते हैं इसको, मैं पहले एक ट्राई करता उसको। देखो लेट से क्या कोई एम है, एम को हमें ढूंढना चालू करना है, तो हम लोग इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे एंड तक, मतलब उसके आगे वाले नहीं देखेंगे, मतलब उसके पीछे वाले नहीं देखना है, उसके आगे वाले देखना है। और जैसे हमें कोई मिलता है तो हम उसका काउंटर बढ़ाएंगे, काउंटर बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है उसको रिप्लेस करना है उस स्ट्रिंग को स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे कि ट्राई करते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी हर बार, और एक बार मुझे पाउंड ये चाहिए, दो फॉर लूप हो यहाँ पे, मुझे जे डालना पड़ेगा, जे डाला, जे डाला।
इसको मैं ऐसा लिखता, जे प्लस वन लिखता, जे प्लस वन लिखता, मैं मुझे पहले लिखने तो पड़ो, मैं पहले सोचता कैसे कर सकता हूँ उसको। ओके इफ एक्स आउट कैरेट आई, ए ए वन सेकंड, ए प्रीति प्रीति, ठीक है। अगर ये मैच होता है, देखो ये वाला और ये वाला मैच होता है, तो मुझे काउंटर वन लेना है। देखो इस केस में वो काउंटर वन क्यों लेना है वो भी मैं बताता हूँ। ओके काउंट मैंने लिया, ये हो रहा मेरा काम, काउंटर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ये मैच होता है मैं क्या करता हूँ, उसको रिप्लेस मारता है इससे। नहीं इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेस करना है हमें। लेकिन मुझे क्या करना है, सबस्ट्रिंग डालना पड़ेगा फिर। सॉरी एक्स डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे तो काम बन जाएगा। ओल्ड कैरेक्टर विद न्यू कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर रिप्लेस ऑल नहीं करना, रिप्लेस करना है। तो इसको ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, मुझे इस स्ट्रिंग के स्पेसिफिक लेटर में डालना है, तो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है इससे काम बनेगा, देखते हैं कैसे बनना तो चाहिए। लिखिए दो बार प्रिंट करेगा, रिप्लेस करते हैं ओल्ड कैरेक्टर क्या है। शायद से इसका थोड़ा दिक्कत आएगा यार, क्योंकि आई नहीं जेज आ ही जाएगा, जैसे तो इसको कैसे, एक सेकंड देगा मेरे को, एक सी एक चीज़ भूल गया मैं, एक चीज़ फटेगा वो लगेगा मेरे को। लेकिन उसने क्या किया, देखो एम आपका एक बार आया, वाई भी आपका एक बार आया। ओके अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्यों आया, दो बार रहे, इसको स्पेस मिल रहा है, उसका दिक्कत है वो, राइट। यहाँ पे उसको स्पेस मिल रहा है, कहाँ का ये स्पेस, तो हमें स्पेस नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमें लॉजिक डालते हैं, एक स्पेस है तो उसको बढ़ाओ ही ना मत, तो उसको मैंने बढ़ाएगा नहीं। एक देखो यहाँ पे ये स्पेस दिखा रहा है, तो ये स्पेस का लॉजिक हम लोग लिखते हैं। स्पेस नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू आया था। देखो ये आया अपना, एम एक बार आया, वाई एक बार आया, एस तीन बार आया, पी दो बार आया, ए आया। देखिए यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर ऑब्जर्व करोगे ना आपको, एस प्रिंट किया उसने, क्योंकि एस तीन बार था ना, उसने हर बार प्रिंट किया, एक बार इसको प्रिंट किया, एक बार इसको प्रिंट किया, एक बार इससे लिया, क्योंकि हम लोग इसके वजह से चल रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं यार, इसको एक रिप्लेसमेंट का स्ट्रिंग होता है यार, इसको मैंने करता है।
टू रिप्लेस फर्स्ट बोल रहा है, ओके रिप्लेस फर्स्ट। यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए, ओके इसको मैं लेता हूँ। ठीक है यार इसको नहीं होना प्रॉब्लम, ये और अब होगा ही नहीं से लग रहा है। रिप्लेस और सबको कुछ फायदा ही नहीं हो गया यहाँ पे। ओके हो गया, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। नहीं होगा यार, इसको क्या बोलते हैं यार, इंडेक्स ऑफ, एक कुछ तो मेथड है इंडेक्स ऑफ का, एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ ए लेते हैं और उसका उस पोजीशन का चेंज करना है। ठीक है इसको हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको क्या करना है पता है क्या, जैसे कि ये वाला, जैसे ही मुझे ये वाला नंबर मिलता है, जैसे कि आप मान लो वाला इटरेशन का, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। हमें बस यहाँ पे रिप्लेस वाले कोड डालना है, रिप्लेस वाला कोड डालना। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इसका ढूंढता सोल्यूशन। मेरा प्लान क्या था वो बताता आपको। देखो जैसे मुझे m मिलता है तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो j की वैल्यू इनिशियल क्या है, जीरो है, j इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर आएगा और चेक करेगा यहाँ पे कुछ स्पेस है क्या। यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखो नॉट इक्वल टू लिखा है, इसीलिए कंडीशन ट्रू हो, तो मेरा काउंट क्या हो जाएगा इनिशियली, काउंट बन जाएगा वन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो मैंने जे प्लस वन लिखा है, जे प्लस वन मतलब कैसे, वो पॉइंट करेगा इसको, ये आई किसको, ये जे किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट करेगा, तो आई किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, ये फॉर लूप क्या करेगा पता है क्या, ये फॉर लूप आपको इसकी एम के आगे के सारे लेटर्स में चेक करेगा एम है क्या। जैसे अगर ऑब्जर्व करो ये पूरा इटरेट करेगा, वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ऑब्जर्व करोगे ना जे जे अभी जे को जे किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो को, जीरो मतलब स्मॉल एम हुआ, इक्वल टू आई किसको पॉइंट कर रहा है पता है, अभी करंटली आई वाई को पॉइंट कर रहा है, दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए मेरा क्या बढ़ गया यहाँ पे, आई की वैल्यू बढ़ गई। अभी आई किसको पॉइंट करेगा, स्पेस को पॉइंट करेगा, इक्वल है क्या, नहीं है। फिर आई किसको पॉइंट करेगा, एस को पॉइंट करेगा, इक्वल है क्या, नहीं है। ऐसा पूरा घूमेगा, घूमने के बाद एन तक आएगा, तो एम की वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या है, वन ही है। तो आपको यहाँ पे इसलिए इसने उसने एम इक्वल टू वन दिखाया था। फिर ये पूरा होने के बाद आपका जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, अभी जे जीरो था पहले, अभी जे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ में नहीं है सर। ओके देखो आपका जो एक्स नाम का जो ये है, इसमें देखो क्या लिखा। ओके तो इनिशियली जे की वैल्यू क्या है, जीरो आएगी, जे की वैल्यू जीरो, वो तो यहाँ पे जाएगा, वो चेक करेगा वहाँ पे स्पेस है क्या, स्पेस नहीं है, तो अंदर आएगा, उसे काउंट की वैल्यू क्या मिली, काउंट की वैल्यू उसको वन मिले, तो वन आए। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई रे, जे प्लस वन लिखा है, मतलब क्या है, जे की वैल्यू जीरो है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। वो चेक करेगा वो लेंथ है, लेंथ को सिर्फ 14 आता था, हाँ कंडीशन ट्रू,
तो अंदर आएगा, वो चेक करे। देखो इफ एक्स डॉट कैरट जे मतलब क्या, जे की वैल्यू 0 है तो ये इसको रिपेयर करो, इसकी वैल्यू क्या एम है। इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू 1 है, माई की वैल्यू मतलब वाई को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों सेम है क्या रहे, नहीं है, तो इसलिए यहाँ से बाहर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर अभी क्या बढ़ेगा आपका, आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। वो चेक करेगा कंडीशन 2 आने के बाद, वो यहाँ पे चेक करेगा, ये आपका वैसे रहेगा जे एम वैसे रहेगा, आपकी आई की वैल्यू बढ़ी है तो 2 रहा, तो यहाँ पे इसको क्या मिला, स्पेस मिला, बराबर ये स्पेस ये वाला सिंगल कैरेक्टर वाला, तो ये मिला, तो वहाँ पे भी कंडीशन फेल हुई, तो आपका आई फिर से बढ़ेगा, आई अभी 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद उसको किसको पॉइंट करेगा, एस को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्व करो आपका जे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए एक्स डॉट कैरेट जे वैसे का वैसे ही है, तो ये मैच हो रहा है क्या नहीं, तो ऐसा पूरा थ्रू आउट ही चलेगा। तो एट द एंड तक आपको एम की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, इसीलिए मैंने काउंट 1 किया, तो आपका एम होगा 1। फिर ये होने के बाद वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने का उसको जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो चेक करेगा स्पेस देगा, स्पेस नहीं है, फिर काउंट आपका फिर से इनिशियलाइज टू 1 हो जाएगा, काउंट फिर से आपका इनिशियलाइज टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, अभी जे की वैल्यू क्या है रे, 1 है, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 हुआ, इसीलिए अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अभी मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं, आपका ये जो जे है ना, मैं जे को रेड से करता हूँ, आपका जे अभी वाई को पॉइंट कर रहा है, और लेटेस्ट आई किसको पॉइंट कर रहा है, मैं इसको ब्लू से करता हूँ, वाई आई अभी इसको पॉइंट कर रहा है स्पेस को, तो दोनों सेम है क्या, नहीं है। फिर आपका आई बढ़ने वाला, आई बढ़ेगा तो आपका भी यहाँ पे आ जाएगा, स्पेस पे मैच करेगा, नहीं है। पी को, फिर ए को, फिर सी को, फिर ई को, ऐसे करते करते पूरा चलेगा, आपका काउंट तो बढ़ेगा नहीं, तो आपको पता चलेगा वाई इक्वल टू 1 है, तो वैसे ही जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अभी कैसे, मेरा लॉजिक कैसे बता रहा था, जैसे ए के लिए आएगा, अगर मान लो ए के लिए आएगा तो ए मुझे मिलेगा, तो उसके आगे वाले सारे लेटर्स को कंपेयर करेगा, जैसे उसको यहाँ पे ए मिलेगा तो मैं इसको क्या कर रहा, हैश कर रहा हूँ। तो जैसे कि देखो, इसका भी जैसे मुझे ये ऑकरेंस मिला, ये यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो मेरा काउंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंडीशन जैसे मैच है तो मेरा काउंटर बढ़ेगा, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करो, किसको रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस करो, तो नेक्स्ट टाइम इसको ए पकड़े कंसिडर करेगा क्या है, ए इसको कंसिडर करेगा ही नहीं। हैश का समझ में नहीं है सर, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये मुझे कोड लिखना है एक्चुअली, ये कोड बाकी है मेरा। जैसे ही उसको उस पोजीशन पे उसे वो वैल्यू मिल जाएगी, काउंट उसका बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, हैश करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम लोगों जैसे ए आया आंसर, यहाँ पे भी देखो मेरा ए का आंसर आया था, 2 बार आया, लेकिन जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे भी उसको ए मिलेगा ना, फिर वो ए को 2 बार प्रिंट करेगा। मतलब जैसे कि इस केस में अगर देखोगे, यहाँ पे इसने फर्स्ट जब स्टार्टिंग किया था तो ए की इसने 2 को पॉइंट किया था, फिर आगे बढ़ा उसने ए को 1 किया था, कि ये मुझे वो वाला नहीं चाहिए, डुप्लीकेट वाला जो रिप्लीकेट हो रहा है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इसको मैं रिप्लेस करूँगा हैश से। तो हैश से तो इसका मतलब वो काउंट करेगा ही नहीं, राइट, ये काउंट करेगा नहीं, तो आपका आंसर बराबर आ जाएगा। तो हमें बस वो रिप्लेस वाला कोड लिखना, शायद से हम ये स्ट्रिंग को ना बफर रीडर में लेना पड़ेगा, तभी ये अपना इजी रहेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बफर रीडर में लोग स्ट्रिंग को चेंज कर पाते हैं। सबको समझ आए ये वाला प्रॉब्लम, अभी लॉजिक समझ आए। जैसे आपको आगे की फ्रिक्वेंसी मिलती है, हमें उसको क्या करना है, रिप्लेस करना उस स्पेसिफिक पोजिशन को, ताकि अपना वो काउंटिंग सेपरेट बेस हो जाए। जैसे कि हम लोग एस के बारे में देखते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको यहाँ पे भी एस है, इसका काउंटिंग 1 है, जैसे आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़, यहाँ पे इसको एस मिलेगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, मेरा काउंटर तो 1 का 2 हो जाएगा, और इसको मैं हैश कर रहा हूँ, फिर आगे के लिए भी हैश कर रहा हूँ, तो 2 का 3 हो जाएगा, तो मेरा एस 3 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इटरेशन आगे बढ़ता जाएगा, इसको यहाँ पे एस मिलेगा ही नहीं, तो इसके बाद वो उसको कंपेयर ही नहीं करेगा, तो उसको काउंट ही नहीं लेगा, तो अपना जो यूनिक काउंट है ना वैसे हो जाएगा। जैसे कि इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे यहाँ पे भी एक ए बार ए बार ए प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे भी ए प्रिंट हो रहा है, तो वैसा नहीं चाहिए था। अगर ऑब्जर्व करो एस 3 बार है, तो यहाँ पे एस 3 लिखा, मेरा काम उतना ही होना चाहिए था, ये उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए था। तो ये क्यों किया पता है कि यहाँ पे वो रिप्लेस नहीं लिखा। हाँ बोलिए ना, बुलियन फ्लैग यूज नहीं कर सकते क्या, बुलियन फ्लैग लिख के क्या करेगा, मिल जाए तो खत्म। हाँ क्या हुआ,
अगर उसको कैरेक्टर मिल जाएगा, काउंट करेगा बुलियन फ्लैग का, और वो छोड़ देगा फिर वो कंप्लीट आगे बुलियन बढ़ फ्लैग के। सर हाँ क्या कैसे कर सकते हैं लेकिन ऐसे एस बराबर, नहीं वो नहीं, वही बुलियन फ्लैग मतलब। ट्रू और फॉल्स ही होता है राइट, इसका तो प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है मैंने आपको लॉजिक तो बता दिया, मैं आपको शायद से उसका कोड दे देता हूँ, बस आपको वो रिप्लेस करना है। मुझे भी देखते हैं उसको बफर रेडर में डालना पड़ेगा शायद, उसके बिना बनेगा नहीं है। ठीक है वो काउंटर का समझ में नहीं आया सर, आप अरे ही बोल रहे थे। काउंट बढ़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं करना है। कितना काउंट है वो हमें बढ़ाना, जैसे एम मुझे एक ही बार मिला तो एक ही बार प्रिंट किया, वाई पूरे स्ट्रीम में एक ही बार मिला, एस मुझे 3 बार मिला, 3 बार प्रिंट किया। बस दिक्कत क्या आती है पता है क्या, मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया था ना, तो उसको अगले इटरेशन में जैसे आगे बढ़ेगा ना, उसको स्पेसिफिक लेटर मिला, जैसे एस उसको आगे भी मिला, एंड में है ना एस, तो उसने क्या किया उसके आगे वाले कितने एस से वो काउंट किया, वो दिक्कत था। तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे पहला एस का काउंटिंग हो जाएगा, एस में ये वाला काउंट करूँगा तो इसका जगह वो हैश दूंगा ऐसा, फिर ये वाला भी काउंट करेगा तो मेरा टोटल एस कितने हुए, 3 हुए राइट। फिर जैसे ए के लिए आएगा, ए काउंट हुआ तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जैसे ए भी काउंट हो तो इसको मैं हैश करूंगा। तो देखो ना यहाँ हैश पे क्यों करना क्योंकि पड़ेगा? यहाँ पे मुझे काउंटिंग करने के लिए तू डिसाइड करेगा ना कि ये नहीं होना चाहिए करके, मतलब तुझे कहीं पे तो ये डुप्लीकेट ऑकरेंस नहीं होना चाहिए ना काउंटिंग का। जैसे इस केस में अगर ऑब्जर्व करेगा एस आ रहा है तो डुप्लीकेट ऑकरेंस नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ऐसे लिखूंगा फिर, तो हैश आया तो पकड़ो यू, काउंट काउंट कैलकुलेटिंग मत करो इसको ऐसा। सर एक बार ही काउंटिंग करनी है क्या? हाँ एक बार ही कर रहे हैं ना, 2 बार काउंटिंग करके क्या फायदा होगा ना ऐसा वाला। तो जैसे कि हैश आएगा तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने बताया था मैं एस का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एस है तो मैंने काउंट लिया उसका काउंट बढ़ाया और यहाँ पे इसको रिप्लेस मार दिया हैश से, ये मेरा लॉजिक था मतलब, तो इस वजह से चल रहा था। जैसे जैसे वाला इसने एस का काउंटिंग किया, पहले 1 था, आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे उसको मिला तो मेरा मेरा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो, मेरा काउंट बढ़ जाएगा, काउंट बढ़ेगा यहाँ कि इसका मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस स्पेसिफिक पोजिशन को, तो मैंने इसको हैश डाल दिया। फिर आगे सर बढ़ेगा, सी का भी हेल्प डालने का हाँ ना? वही कर वो ऑटोमेटिक कर लेगा, तो मैं एस का बता रहा हूँ, तो एस के लिए आगे बढ़ेगा फिर इसको काउंट बढ़ेगा, काउंट बढ़ाएगा तो ये, तो टोटल एस की काउंट कितना किया उसने, 3 काउंट किएगा। लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ेगा ना, यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे वो एस उसको मिलेगा ही नहीं, तो आपका हर एक चीज़ एक ही बार प्रिंट हो जाएगा, ये मुझे पता है। जैसे कि इस केस में ये 3 बार प्रिंट किया है भाई ने, यस यहाँ पे भी यस और यहाँ पे भी यस, तो ये नहीं चाहिए यूनिक की प्रिंट करना था। ठीक है इसका रिप्लेस का कोड मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके आई थिंक सर अब हाँ बोलिए ना। सर हम अगर इतनी बार इटरेशन कर रहे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। हाँ राइट हो जाएगा ना, लेकिन ये कैसा है पता है आप जो बोलो ना टाइम का, ये लेकिन बहुत फास्ट चलता है, इसका कोई सोल्यूशन है हाँ ही नहीं ना तो अपने पास, अपने पास कोई क्या सोल्यूशन है, उसके बिना कमी नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें रिट्रेट करने के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा ओके ओके बराबर ना, आपको काम तो करना है राइट, तो आपको एट एनी कॉस्ट फिर कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है सर प्रोग्राम इसका लिखते वक्त इसका हैश लिखते का एरर एस करते अरे क्या? भाई सुन ना क्या बोल रहा तू, यहाँ पे हैश है ना तो हैश मत लिख, कोई भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर लिख कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पे बस कंपेयर करके ये नहीं होना चाहिए बस, कुछ भी मत लिखो अल्फाबेटिकली, लिख, और ए टू जेड वाला वो छोड़ के कुछ भी मत लिखो, मतलब बाकी सब कुछ भी लिख इफ सकते हो। कंडीशन के नीचे सर हम डाल सकते हैं ना फिर कैरेक्टर जे इज इक्वल टू हैश डाल दो या कोई भी डाल दो हाँ वही कोई ना, और अगर ये मतलब। नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ना, मतलब वही ना यार, जैसे उसको मिलेगा ये जैसे एस का काउंटिंग पूरा हुआ तो मुझे नेक्स्ट इटरेशन में जब भी एस आएगा तो मुझे काउंट करना ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैश हैश करें ना, तो हम लोग इसको बता भी रहे अगर हैश आता है तो काउंटिंग मत करो, यहाँ पे वो कोड पता नहीं मेरे को, मैं देखता हूँ उसका कैसे होता है, क्योंकि मुझे क्योंकि स्ट्रिंग है ना इम्यूटेबल है ना वो दिक्कत है उसका थोड़ा सा। ठीक है सबको समझ में, सर कौन सी भी स्पेशल सिंबल लिखने का कैश की हाँ जगह? स्पेशल कैरेक्टर एक्जैक्टली हैश की जगह, हैश की जगह अगर आपको चाहिए कैश तो की हैश जगह यूज करो बेटर रहेगा। ठीक है सर प्रोग्राम लिखते वक्त क्लास लिखने का या हैश लिखना ये पूछ रहा सर। हैश लिखना है रे भाई। ओके ओके ठीक है ओके अभी और कौन सा ले सकते हैं क्या, मुझे नहीं लगता स्ट्रिंग के ऊपर इतने इतने ही हो सकते हैं प्रोग्रामर,
और क्या कर सकते हैं? किसी को याद है कोई प्रोग्राम तो हम लोग लेते हैं। ओके ऐसा करते हैं अभी। वर्ड वाला भी नहीं पॉसिबल हो सकता, राइट? ठीक है, आई थिंक हैश स्ट्रिंग के लिए इतनी प्रॉब्लम ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, आज का रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।